हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। तो आज मैं आया हूँ अपने शहर पिंजौर में, पिंजौर गार्डन, जो यादव इंद्र गार्डन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज ये व्लॉग शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको पिंजौर गार्डन। तो ये है पिंजौर गार्डन का मेन गेट, यहाँ से हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे हमें एंट्री फीस जो है 25 रुपीस वो देनी पड़ेगी। Here you can see 25 रुपीस एंट्री। तो चलो पहले हम एंट्री फीस ले लेते हैं। सो फाइनली हमने ले ली है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं अंदर। और ये अब हम आ चुके हैं पिंजौर गार्डन। और यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे सेक्शन बना रखे हैं, जिसमें जल महल, फूल और रंग महल, शीश महल, हवा महल, ये सारे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, अभी हम देखे में। तो चलिए चलते हैं। ये जो आप मेरे सामने दिख रहे हैं, ये है शीश महल। फिलहाल मैं यहाँ पे शीश महल पहुंच चुका हूँ। ये फिलहाल इन्होंने अभी लॉक किया हुआ है, पता नहीं क्यों लॉक किया हुआ है, शायद कोरोना की वजह से होगा। तो फिलहाल ये था हमारा शीश महल। तो चलिए आगे चलते हैं। नहीं सर, ब्लॉगिंग। यस, अभी हम जा रहे हैं रंग महल की तरफ। सामने आप देख सकते हो यहाँ पे फाउंटेन है और इतना साफ सुथरा पानी है। तो अभी जो है फाउंटेन अभी बंद किए हुए हैं इन्होंने, पता नहीं इस रीजन से है, अभी बंद है। तो फाउंटेन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। रंग महल, यहाँ से आपको व्यू दिखाऊंगा मैं। और ये आप ये देख सकते हैं यहाँ पे व्यू। ये जो आप मेरे बैक साइड में देख रहे हो, ये है रंग महल। और रंग महल के बिल्कुल साइड में ही आपको सामने बाल और रेस्टोरेंट दिखाई देगा। आप यहाँ पे हरियाणा टूरिज्म के भी होटल्स हैं काफ़ी, जहाँ पे आप एक फैमिली के साथ अगर आप पिकनिक मनाने आए हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप रुक सकते हो। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखते हैं आप यहाँ पिकनिक ग्रीनरी है यहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारे फैमिली फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जो है लोकल लाइफ सिटी से दूर दूर से काफ़ी यहाँ पे पिकनिक मनाने आते हैं।
अभी हम वो नीचे जाते जा रहे हैं। गार्डन बहुत ही लंबा है तो मेरे को काफ़ी पैदल चलना पड़ेगा यहाँ पे ब्लॉग बनाने के लिए, और मुझे अभी थोड़ा थोड़ा पसीना भी आने लगा है। यहाँ से आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। यह था हमारा रंग महल। तो अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ। अगर आपको पिंजौर गार्डन में आना है तो यहाँ पर सबसे बेस्ट टाइम मैं बता देता हूँ, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आप यहाँ पे आ सकते हो, और जनवरी से मार्च के बीच में आप यहाँ पे आ सकते हो। और जब भी यहाँ पे आपको आना है तो हमेशा शाम को ही आए। तो इस शाम में जो व्यू का मज़ा है, यहाँ पे थोड़ी लाइटिंग भी हो जाती है, फाउंटेन में लाइटें जलती है, और रात का व्यू मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। और दिन में अगर आप आओगे तो दिन में आपको गर्मी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत होती है, दिन में धूप होती है। और अभी आप देख सकते हैं मेरे सामने है जल महल। तो अभी मैं जल महल आपको दिखाऊंगा जाके, जो कि चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है और बीच में महल है। और ये है मेरे सामने जल महल। आप देख सकते हो चारों तरफ पानी है, पर अभी पानी अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये फाउंटेन अभी जो है बंद है, किसी रीजन से ये बंद किए हुए। तो यहाँ पे जब भी आप शाम को आओगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी लाइटिंग देखने को मिलेगी। नीचे आप देख सकते हो ये लाइटिंग दे रखी है इन्होंने, बहुत ही खूबसूरत लगता है जब ये शाम हो जाएगी, अंधेरा होने वाला है। और अभी हम नीचे ही तरफ जा रहे हैं जहाँ पे भी लास्ट एंड है, यहाँ पे सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी हमने वहां पे जाना है, वहां से फिर वापस आना है। सो पिंजौर गार्डन में आने का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। पिंजौर गार्डन आपको जब भी आना है, अगर आप चंडीगढ़ से आ रहे हो तो चंडीगढ़ से बाय ऑटो या टैक्सी से आप आ सकते हो। अगर आप कहीं दिल्ली या बेंगलोर से आ रहे हैं तो आप सीधा अपना एयरपोर्ट से बाय एयरपोर्ट या फिर बस से भी आ सकते हैं। पिंजौर गार्डन आने के लिए आपको चंडीगढ़ आना पड़ेगा। चंडीगढ़ से 25 किलोमीटर की दूरी पर पिंजौर गार्डन पड़ता है, जो चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर भी है। तो यहाँ पे आप अपना फैमिली के साथ अपना यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। अपना यहाँ पे काफ़ी सारी ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी। और मैं बता देता हूँ कि पिंजौर गार्डन जो है 17th century में बना था, औरंगजेब ने इसको बनवाया था। और यहाँ पे पिंजौर गार्डन में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मैंगो फेस्टिवल भी लगता है। और यहाँ पे आप मैंगो फेस्टिवल तीज जो फेस्टिवल है वो भी यहाँ पे लगता है। मैंगो फेस्टिवल जो है वो जून या जुलाई में लगता है, जिसमें अलग तरह 4000 तरह के वैरायटी मैंगो में आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। बहुत ही शानदार खुशबूदार यहाँ पे मैंगो होते हैं। ये जो मैंगो है ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लाए जाते हैं यहाँ पे। तो कभी भी आपको मौका मिले तो आप यहाँ पर मैंगो मेला जरूर देखने आए, जो विसाखी टाइम में जून या जुलाई में लगता है।
और ये है कैफे एरिया, यहाँ पे काफी सारे रेस्टोरेंट है छोटे छोटे। यहाँ पे देख सकते हैं आप खाने में आपको यहाँ पे काफी सारी डिफरेंट चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, कुलचा, चना, समोसा, दही, गोल गप्पे, पापड़ी, चाय और इधर भी ये आप देख सकते हैं। तो ये है यहाँ पे कैफे एरिया, जहाँ पे आप अगर घूम टाइम आपको भूख लगे तो यहाँ पे आप खा पी सकते हैं, शाम को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग, आई होप यू गाइस आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।